आप लोग देखना है जो गिरिराज गोवर्धन, कहीं भी आप पर्वत का शिलाओं को दर्शन करो, आप उसमें हाथ लगाकर देखना, वो खसखस लगेगा। लेकिन गिरिराज गोवर्धन का कोई भी एक शिला उठाओ और आप अपना उसको देखना, वो खसखस नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे उनको कोई पंचामृत से, दूध दही घी से किसने इनको स्नान करा। कोई भी गिरिराज के एक टुकड़ा ले लो और टुकड़ा को हाथ लगाओ तो आपको खसखस नहीं लगेगा। हैं, कहीं भी आप पर्वत देखोगे, पर्वत का जो शिखर है ना वो सीधा रहता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो गिरिराज गोवर्धन को देख लो, कि जो गिरिराज गोवर्धन का जो रूप देखोगे ये पिघला हुआ रूप दिखेगा आपको, सर ऊंचा हुआ नहीं दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, ये पिघला हुआ रूप दिखेगा। बोले ये पिघला हुआ रूप क्यों दिखता है, कारण क्या है? बोले कारण है कि भगवान कृष्ण इसको ऊपर में गोचारण किया, ठाकुर जी है गिरिराज को ऊपर में रास लीला किया, उन्होंने सुंदर सुंदर लीला की है। लीला करने का नाते कृष्ण का चरण स्पर्श से कहते ये गिरिराज गोवर्धन क्या हो गया, प्रेम में गिरिराज गोवर्धन पिघल गया, ये द्रवीभूत हो गया श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए श्री गिरिराज को कहते हंता अद्री अबला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोद। यहाँ पर श्री ये ब्रज गोपियां कह रही है, राधा रानी कह रही है, बोले ये गिरिराज गोवर्धन कौन है, बोले हंताय अद्री अबला हरिदास वर्ज, कत हंताय अद्री अबला हरिदास वर्ज, कत हरिदासो में ये गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। बोले पहला हरिदास कौन है, बोले श्री युधिष्ठिर महाराज। हरिदास बर कौन है, श्री उद्धव जी जो कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। लेकिन हरिदास में जो सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है, बोले ये गिरिराज महाराज। बोले ये हरिदास वर्ज क्यों, ये हरिदास में सर्वश्रेष्ठ कारण क्या, बोले कारण है कृष्ण जब ये गिरिराज गोवर्धन में कृष्ण गोचरण करने के लिए आते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन बड़े सुंदर मणि बेदियों को प्रकट कर देती है, रत्न सिंहासन को प्रकट कर देती है। कृष्ण जी से रत्न सिंहासन को पर में कृष्ण बैठते हैं और यहाँ के जो झरना जो पांच जो झरना रूप में बह रही है, कृष्णा झरना की पानी पीते हैं, ये कारण है। दूसरा कारण है कहते झरना क्या है, बोले कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही कहते कृष्ण प्रेम से उनका आंखों से मानो ये अश्रु प्रवाहित हो रहा है, ये झरना नहीं ये अश्रु प्रवाहित। गिरिराज गोवर्धन में देखो घास है, बोले ये घास क्या है, बोले कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही मानव प्रेम से गिरिराज गोवर्धन का रोंगटे खड़े हो गए हैं। इसलिए जैसे भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, पंचामृत क्या है, पहला नंबर दही, बोले गिरिराज गोवर्धन से दही मिलता, बोले दही कहाँ से होता है, बोले कृष्ण गैया चराते हैं, गैया घास कहाँ खाते हैं, गिरिराज गोवर्धन से। फिर गैया घास खा करके दूध देते हैं, जब दूध देते हैं ना यहाँ पर कहीं के दूध कटोरा मिलेगा, एकदम कटोरा जैसे मिलेगा, गैया दूध दे करके देते हैं वो जम जाती है, जम जाने पर दही बन गया, दूध हो गया, उसको ऊपर मलाई जैसे पड़ जाती है, उससे हो गया घी हो गया है, फिर मधुमक्खी का छत्ता लगी हुई रहती है, इसलिए उससे क्या हो गया, मधुमक्खी छत्ता में शहद हो गया, और सुंदर सुंदर गन्ने की पेड़ होता है, गन्ने का जूस से रस बस पंचामृत और क्या। इसलिए कृष्ण कहते ये पंचामृतों के द्वारा गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे तुम्हारे घर में कोई अतिथि आएगा क्या करोगे, उसको पानी पिलाओगे ना है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन में बड़े मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर कुछ अप्सरा कुंड, नवल कुंड, बड़े सुंदर कुंड मानसी गंगा, कृष्ण वहाँ के पानी पीते हैं, झरना की कुंड के पानी पीते हैं, कृष्ण जल विहार करते हैं, कृष्ण यहाँ पर कुंजो कुंजो में लीला करते हैं, पानी पिला कर एक व्यक्ति का आसन दे करके बैठाओगे हैं, फिर उनका चरण में आप पुष्प प्रदान करोगे, ये गिरिराज गोवर्धन में सब कुछ उपलब्ध है। और राधा रानी कुसुम सरोवर है ना, बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला बना करके राधा रानी कृष्ण को पहनाया करती थी। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन कहते हर तरह से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए इनको क्या बताया, हरिदास वर्ज, हरिदास में सर्वश्रेष्ठ। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहते हंताय, हंताय मतलब है ये गोपियां राधा रानी, कहते हाय रे
हमारा जीवन तो बेकार है। बोले क्यों बेकार है? बोले कृष्ण जब गोचारण करते हैं, जब बंसुरी बजाते हैं, ये मेघ कृष्ण का रंग, मेघ का रंग बराबर है कृष्ण के ऊपर में, ये मेघ छाया कर देती है। और जैसे फोरा में बाथरूम में हम स्नान करा करते हैं, ये क्या मेघ क्या करता है कृष्ण को ऊपर सुंदर सुंदर फोरा जैसे पानी देते हैं। और जब बादल खंड कृष्ण जिधर चलते हैं ना, वो बादल खंड उनको जैसे हम छत्र धारण किए थे हैं, ऐसे ऐसे बादल कृष्ण का सर के ऊपर धीरे धीरे चलते हैं है? इसलिए कृष्ण जब गोचारण करते हैं बंसी ध्वनि सुन करके, कहते पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता है हैं? इसलिए कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके मयूर मयूरी नाचने लग जाते हैं, और हिरण आकर के कृष्ण को अपना नेत्र को द्वारा आरती उतारती है हैं? और जमुना उल्टी बहने लग जाती है। इसलिए राधा रानी कहती है, कहते जीवन अगर किसकी सार्थकता है ना, इन लोगों का जीवन सार्थकता है। हमारा जीवन तो अंताय, हमारा जीवन तो बेकार हो गया, जीवन हमारी बर्बाद, हम कृष्ण सेवा नहीं कर पाए। कहते भैया फिर कृष्ण सेवा कैसे मिलेगा? कहते महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं। जब तक किसी शुद्ध साधु की कृपा नहीं हो जाए, तब तक कभी भगवान की भक्ति मिलने वाले नहीं। लेकिन इस साधुओं को कृपा से ही भक्ति मिलता है। लेकिन इस साधुओं में सर्वश्रेष्ठ साधु कौन है? बोले गिरिराज बाबा है। बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए गिरिराज सबसे बड़े भगवान की भक्त है, जिनकी कुंज कुंज में कंदरा कंदरा में कृष्ण लीला करते हैं। इसलिए राधा रानी कहती हैं, अगर किसकी जीवन सार्थकता है ना, ये गिरिराज बाबा की जीवन सार्थकता है। गिरिराज की जीवन सार्थकता कृष्ण, जहाँ पर मधुर मधुर कृष्ण लीला की। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, कहते ये गिरिराज ये पत्थर क्यों हो गए? ये पत्थरों कोई परिक्रमा कर, पत्थर क्यों हो गए गिरिराज गोवर्धन? बोले पत्थर होने का गुरुदेव कहते दो कारण है। बोले पहला कारण है, कृष्ण जब कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, जैसे बाथरूम में हम स्नान करते हैं, जब स्नान करते हैं हमें पता है बाथरूम चारों तरफ में क्या है, पत्थर पत्थर है, मिट्टी मिट्टी है, है पत्थर पत्थर है। जब हम स्नान करते हैं इसलिए हम जानते जैसे इच्छा जैसे स्नान करो, क्यों हम पता है पत्थर है ना, जैसे चाहते हो। इसलिए कृष्ण अभी इसका कुंजो कुंजो में गिरिराज में लीला करते, रास लीला कुंज लीला करते हैं। इसलिए गिरिराज ने देखा अगर मैं पत्थर बन जाऊं ना, फिर कृष्ण निश्चिंत रूप में एकदम पीना है, निश्चिंत रूप में, निश्चिंत रूप में कृष्ण लीला यहाँ पर विलास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर सामने खड़े हो, हम जैसे तैसे थोड़ी स्नान करते हैं, कपड़े से ओढ़ करके अपना लज्जा को निवारण करते हुए स्नान करेंगे। इसलिए गिरिराज गोवर्धन इसलिए पत्थर बन गए, प्रभु को ऐसे लगे आप पत्थर है और इसको सामने जो कुछ लीला करना करो, इसलिए पत्थर बन गए। दूसरा कारण क्यों पत्थर बन गए? बोले आठ प्रेम का विकार है। क्या क्या है? स्वेद कंप अश्रु विवर्ण पुलक वैवध्य स्तंभ, उसमें एक है सिम्टम है स्तंभ। स्तंभ मतलब एकदम कृष्ण प्रेम में एकदम स्तंभ जैसे हो जाते हैं, शरीर का कोई हुदबुद नहीं रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण जब गोचारण करते करते गिरिराज के ऊपर चरण रखते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही गिरिराज तो प्रेम में ही पत्थर हो गए, जैसे अहल्या पत्थर हो गई थी ना। इसलिए ये प्रेम में गिरिराज गोवर्धन ये पत्थर हो गए हैं। इसलिए ये गिरिराज हर तरह से ये गिरिराज गोवर्धन की भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, और इनकी कृपा के बगैर कोई भी भगवान की मधुर रस में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जब उन्होंने ब्रज में आए और गोपी प्रेम का दर्शन किया, राधा रानी की भाव को देखा, बोले ये मिलेगा कैसे? बोले जब तक ये गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं होगा वो रस को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उद्धव जी कहाँ पर भजन कर रहे? गिरिराज तलेट में घास बन करके। नारद जी जब शंकर जी से अष्टकालीय लीलाओं को स्मरण किया, भगवान की सुंदर निशांत लीला और उनका बद्धारण लीला, सब लीला को अभी उनको भी लोभ हुआ ये लीला में प्रवेश कैसे करें? बोले जब तक ये गिरिराज की कृपा नहीं हो कोई नहीं दे सकते। इसलिए नारद जी नारद जी कुंड रूप में वहीं पर उन्होंने भजन किया, नारद कुंड के पास में है। और श्री सनातन गोस्वामी भी परिक्रमा करते थे, और श्री हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए सब के सब गिरिराज तलेटी में आश्रय लेकर के सब के सब भजन किया। इसलिए गिरिराज सबको इच्छा पूरी करने वाले श्री गिरिराज, जीव का तो बात छोड़ दो, ब्रजवासियों की सेवा करने वाले। इसलिए इनका नाम क्या है? गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या?
बोले गिरी मतलब पर्वत, पर्वत में जो राजा है, पर्वत में जो राजा सर्वश्रेष्ठ क्यों? तो विशेष करके ब्रज में तीन पर्वत है, ब्रह्माचल पर्वत और श्री नंदीश्वर पर्वत, नंदीश्वर पर्वत और गिरिराज। नंदीश्वर पर्वत कौन है? स्वयं भोले बाबा। और गोवर्धन ये हमारे बरसाना कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी। कहते ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये स्वयं विष्णु, ये विष्णु गिरिराज रूप धारण किए हैं। इन्होंने कठोर तपस्या की राधा कृष्ण की सेवा करने पर प्राप्त करने के लिए। जब भगवान संतुष्ट होकर बोले बर मांगो, बोले प्रभु चरण सेवा दो, बोले किस रूप में? मेरा सखा सखी बोले नहीं, बोले कोई लता बता बोले नहीं, बोले कैसे? बोले अगर हम ब्रज में पहाड़ बनकर के रहेंगे, अगर आप हमारे ऊपर लीला करोगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गिरिराज जी पहाड़ होकर जन्म, एक स्वरूप में कृष्ण, दूसरे स्वरूप में साक्षात विष्णु हैं, इसलिए इनका नाम गिरिराज। जितने गिरियों में ये राजा, बोले क्यों? बोले स्वयं कृष्ण है। जैसे सारे देवता में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ है, ये गिरिराज स्वयं भगवान कृष्ण, इसलिए इनका नाम गिरिराज। दूसरा नाम क्या? बोले गोवर्धन। बोले गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब जो इंद्रियों को जो सेवा करने वाले, इसलिए गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं? इन्होंने कृष्ण और कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण ये दोनों का सेवा करते हैं, मतलब भक्त और भगवान ये दोनों का सेवा करने वाले कौन है? गिरिराज बाबा। इसलिए इनकी कृपा के बगैर हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा, इनकी कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलेगा। इसलिए हम श्री गिरिराज से प्रार्थना करें, हे गिरिराज आप कृपा करके, हम तो अधम है, पतित है, परिक्रमा तो लगा रहे हैं लेकिन मन कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, हैं? हमारे शरीर से तो परिक्रमा लगा रहे हैं लेकिन गिरिराज बाबा तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु गिरिराज जी, इसलिए ये हमारे सारे अपराध को दूर करते हुए अपना चरण में भक्ति दे, प्रेम दे और साधु संतों की संगत दे और ठाकुर की चरण की हमें सेवा प्रदान करे। बोले गिरिराज महाराज की, बोले श्री गोवर्धन की, गौर ब्रह्मानंद।